सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी निकल रहे हैं हम लोग कसोल से तोश की तरफ। तो तोश जाएंगे, तोश से खीर गंगा का ट्रैक स्टार्ट करेंगे। मेरा मन नहीं था, मेरा मन था मलाना हो के फिर वाइचिंग कर लें, बट अब देखते हैं। खीर गंगा मतलब बहुत ज़्यादा रश रहता है इधर, इस पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट रहते हैं। चलो तोश तक चलते हैं, अगर ट्रैफिक ज़्यादा रहा तो फिर आगे वापस हम मलाना जाएंगे और वाइचिंग कर। अभी बजे हैं 7:30, 8:30 तक ट्रैक शुरू होने के चांसेस हैं, तो लेट्स गो। यहीं रुक गया था मैं कल, तो अब आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सो अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। एक ब्यूटीफुल सी जगह दिखी जहाँ की पानी आ रहा है ऊपर से, और यहाँ देखो नीचे से होते हुए पानी आगे जा रहा है, आगे चला जा रहा है। तो यहीं पे अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर चलेंगे आगे। के बाद रुकने का मन कर गया थोड़ा सा। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं जहां से कि हमने ट्रैक स्टार्ट करना है। यहीं कहीं शायद हमको पार्क करनी पड़ेगी गाड़ी। कौन सी जगह, क्या नाम है इस जगह का? परछायनी आई थिंक। हाँ, परछायनी पहुंच गए। अब पूछ लेते हैं का सर, ये ट्रैक के लिए कहाँ से शुरू होता है खीर गंगा का? आगे से जी। गाड़ी खड़ी करने की जगह होती है आगे डैम पे। डैम पे तो क्या, कौन सा कैफे है आपका? केसी कैफे। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अभी अब ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं खीर गंगा। कलगा के साइड से ट्रैक करेंगे। तो ये मंदिर भी है इनका, कालगा बेसिकली ये जगह है। डैम के ऊपर हमने गाड़ी खड़ी करी है। सर को हमने 100 रुपये दिए ताकि हमारी सेफ रहे गाड़ी, है ना। गाड़ी अपने यहाँ पे पार्कड है और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक। 12-13 किलोमीटर जाना है, फिर आना है, देखते हैं कैसा कर सकते हैं। कल भी ट्रैक किया था एक, आज फिर से एक और ट्रैक है, तो कल फिर एक और करना है। तो कितने ट्रैक कर सकते हैं देखते हैं, बट मज़ा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रैक। यहाँ लिखा हुआ है तोश, इधर से जाएंगे तो 3 किलोमीटर, खीर गंगा उधर से भी है, और कलगा पुलगा तुलगा, तो कलगा पुलगा तुलगा इस साइड से, तो हम डैम पार करके जाएंगे बेसिकली। सो लेट्स क्रॉस द डैम और फिर ट्रैक होएगा। अपन ने कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से धीरे धीरे जाना है। तोश उस साइड कहीं पड़ता है, तो कह रहे हैं कि आज कोई अभी तक किसी ने ट्रैक स्टार्ट नहीं किया है, तो शायद हम ही पहले हैं जो ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं। और लुक एट दिस, वाह क्या व्यू है यार नीचे, लुक एट द अमेजिंग व्यू यार। ये तो नीचे जाने की जरूरत है, वैसे तो जाना चाहिए। कितना सुंदर है, अमेजिंग यार, ऑसम। और ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ से,
यहीं से होता है सीढ़ियों से ये ट्रैक स्टार्ट। कीचड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कीचड़। मुझे अस्थमा है तो सांस थोड़ा मुझे जल्दी चढ़ जाता है। तो खीरगंगा का ट्रैक हमारा जस्ट शुरू हुआ है। इधर डैम है और पीछे से आए, यही होना चाहिए। हाँ, खीरगंगा ये ट्रैक। काफ़ी सारे कैफेज़ हैं स्टार्ट होते ही, और थोड़ा बहुत जो नेट आ रहा है वो 2-3 किलोमीटर तक ही आने की संभावना है। तो बी स्लो, कंसिस्टेंट, धीरे धीरे चलते रहो। कुत्ते एक डॉगी मुझे फॉलो कर रहा है कुछ देर से। फ्लैट सा चल रहा है लेकिन मुझे लगता है आगे वो ख़राब वाला रास्ता आने वाला है, वो लकड़ी के पुल से पार कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डेंजरस प्रोपोजिशन लग रही है। एंड वी हैव टू क्लाइंब ऑल द वे अप। तो वो लकड़ी का पुल है, लकड़ी का पुल, और जाने का रास्ता भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा। पीछे देखो पानी कितना ब्यूटीफुल है ना। हम पार करेगा इसको, लगता है 1-2 किलोमीटर तो आगे होंगे कम से कम, लेकिन अभी भी मोर देन 80% बाकी है। इट्स ब्यूटीफुल। सो यार लगातार क्लाइम था, काफ़ी देर से क्लाइम ही क्लाइम चल रहा था। अभी जाके कुछ फ्लैट एरिया आया है थोड़ा बहुत, तो कुछ रिलैक्स मिला है, अदरवाइज़ तो चढ़े ही जा रहे थे पर लोगों ने गंदगी कितनी फैला रखी है, देखोगे ना इस ट्रैक पे हैं दुनिया भर की बोतलें। अरे यार, एक तो बीच में ना वो बना देने चाहिए ये सब कूड़ा रखने के लिए जगह, तो ठीक रहे। बहुत कूड़ा फैला रखा है। नीचे पार्वती रिवर है और उधर साइड से दूसरा ट्रैक जाता है, तो दो ट्रैक जाते हैं। कि जंगल में से जाता है वो धूप लगती रहेगी आपको, मतलब उसमें आपको ये जंगल और ये छाया नहीं मिलेगी, तो बेटर है ये कलगा वाला ट्रैक करो, क्योंकि इसमें पेड़ है तो पेड़ों की वजह से आपको छाया मिलती रहती है। तो जिस साइड से आओ और वापस आना है तो उस साइड से आ जाओ, है ना, तो दोनों साइड हो जाएंगे आपके। सो अब वही अराउंड 10:30 हो गए, अराउंड 9:30 के आसपास मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था। यहाँ बर्फ है ऊपर और नीचे भी, और सामने गांव दिख रहा है, पता नहीं कौन सा गांव है, थोड़ा कीचड़ है इधर। बर्फ और ये पानी, तो ये पानी आ रहा है ऊपर से बीच बीच में, है ना, तो बर्फ भी है थोड़ी थोड़ी, नीचे भी बर्फ है बेसिकली।
देखने में मस्त वाटरफॉल सा लग रहा। पास से देखते हैं कैसे पानी गिर रहा है। क्या बात है, दिख रहा है वो जो देख रहे हैं दूसरा ट्रैक वो है वो सामने। अभी बता रहे हैं कि सिर्फ 6 किलोमीटर रह गया है यहाँ से ट्रैक। अभी बजे 11, हाँ 1.5 घंटा हो गया चलते हुए। फिर बीच में रेस्ट भी लिया, ऑफिस के काम आ गए थे, फोन मिला इधर उधर, थोड़ी देर बैठ गए थे। तो स्टिल मोर टू गो। छोटा सा वाटरफॉल है गिर रहा मेरे पीछे से, वाटरफॉल गिर रहा है और नीचे देखो सीधा नदी दिख रही है, पानी सीधा नदी में जा रहा है शॉर्टकट से। क्या बात है, जो देखो मस्त। मौसम इतना सारा सामान उठा के लेके जा रहे हैं, हिम्मत है इनकी। मैं देख रहा हूँ बहुत दूर से लेके आ रहे हैं ये, और इतनी सारी लकड़ियाँ देखो, है ना। बहुत हिम्मती होते हैं यहाँ के लोग और जान भी है। निकल जाऊँ मैं, कहाँ जा रहे हो वैसे आप? हैं वाटरफॉल, वाटरफॉल जा रहे हैं। अच्छा अच्छा वाटरफॉल, ठीक। और इतना सामान उठा के कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बर्फ मिल रही है हल्के फुल्के से। बहुत जाए और देखो नीचे पानी, नदी बह रही है, पानी पानी जा रहा है पूरा गोर्ज है, मतलब खाई है, नाला है। ओहो, तो ऐसे ऐसे कई जगह आएंगे लिखे हुए कि डेथ हो गई किसी की, कोई गिर गया। केयरफुल तो रहना ही चाहिए, बट कितना ही केयरफुल रह लो। ये वाला पार्ट थोड़ा स्टीप है, ये मेरे पीछे दिख रहा है मस्त वाटरफॉल। Thank you.
वाटरफॉल। देखो अमेजिंग, क्या व्यू है, नेक्स्ट लेवल। Going to cross this wooden bridge. पीछे वाटरफॉल है, इधर ये वुडन ब्रिज है, चलता भी है भाई, केयरफुल रहना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ से रह गया होगा 3-4 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं दिखा होगा। देखो धूप निकल आई है, गर्मी से होने लग गया। 3 किलोमीटर लिखा है, शॉर्ट वे टू खीर गंगा। 3 कीचड़ बर्फ के कारण कीचड़, काफ़ी कीचड़ है और फिसल भी रहे लोग। नीचे है ओसम व्यू नदी का, पार्वती नदी, ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत सुंदर। ब्यूटीफुल पिंक फ्लावर्स और यहाँ एक छोटा सा वाटर। ब्यूटीफुल 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 बहुत ही चारों तरफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वाइट और पिंक लगे हुए हैं। नाम है खीर गंगा, ऐसे ऊपर कहीं दिखा रहा है। अब ये इजी वे लिखा हुआ है, तो इजी वे है, 1:05 है, तो 3.5 घंटे हो गए मुझे चले हुए, और 3.5 घंटे में अभी 15 मिनट और लगने चाहिए 200 मीटर में, तो है ना, पहुंचने वाला होना चाहिए। तो ठीक, बेसिकली इस पहाड़ के टॉप पे है खीर गंगा और ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। काफ़ी देर से इसके पैरेलल ही ऑलमोस्ट आ गए, और सो अराउंड 1:10 वी हैव रीच्ड खीर गंगा। और ये पूरा झुरमुट कैंप्स का लगा रखा है। बेसिकली तो हम इसके चारों तरफ पहाड़ों के ही घूम रहे हैं, कोई शॉर्टकट भी होगा डेफिनेटली उधर से कोई। सो एनीवेज अराउंड 3.5 घंटे लगे पहुंचने में। तो यहाँ की हाइट अप्रोक्सीमेटली 13,051 फीट है, और जो बेसिकली वो है गर्म पानी का जो पॉन्ड है वो एकदम लास्ट में है, तो हम पीछे से घुसे और ऑलमोस्ट लास्ट तक जाएंगे, तब जाके गर्म पानी का मिलेगा। चलो वहीं चलते हैं। तो यार ये कुंड पे पहुंच गया है,
सीधा कुंड पे ही आए हैं। गर्म पानी का बेसिकली सल्फर वाटर वाला है, बिल्कुल टॉप पे है सारा। ये सिटी जो टेंट सिटी है इसको पार करके तब हम यहाँ पर पहुँचते हैं। तो सल्फर वाटर पता नहीं अच्छा है कि नहीं, पर लोग तो नहाते ही हैं सल्फर वाटर में। चलो एक डुबकी लगा के फिर वापसी की। 2-3 घंटे लग जाएंगे वापसी, 3.5 घंटे आने के और 2-3 घंटे जाने के। इतनी देर चल के पानी में बड़ा मज़ा आ रहा है सच में। तो छोटा सा कुंड है लेकिन बढ़िया है। पहले इसके जहाँ से बाहर है वहाँ से नहा के अच्छा। अरे भाई यार ये क्या है, मैंने ये पता नहीं, बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत गर्म है। पैडल का भी बढ़िया ऑप्शन दे रहा है, मतलब छोड़ दे नहीं है ना, तो चल जाऊंगा मैं तो। हां मैं तो हल्दी टाइट हो गई हूं। नहीं मुझे लग रहा है यहां मैं भी नहीं रहा। नहा धो के यार ये मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। सो शिव जी ने ये बनाया है बेसिकली कुंड, जो गर्म कुंड है, जो पुरानी आस्था है वो ये कहती है। वैसे सल्फर वाटर है साइंटिफिक नेम है, पर गर्म कुंड के ऊपर ही मंदिर है। तो मेन प्लेस जहाँ से एक्चुअली गर्म पानी निकल रहा है वो है वो, मेरे ख्याल से वो भी उससे भी ऊपर से कहीं से निकल रहा है, आई थिंक यहीं कहीं इसी जगह से, ख्याल से वहाँ से कहीं से एक्चुअल प्लेस है जहाँ से निकल रहा है। वो आ रहा है, देखो कितना गर्म पानी आ रहा है, सल्फर पूरा जमा हुआ है बहुत, और ये गर्म पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है और ये आगे कुंड में जा रहा है। पूरी सिटी बना दी है मतलब। और मैं बताऊँ, मेरे को जो ट्रैक में जो प्रैक्टिकली सही में बताऊँ, इतना गंदा जग फैलाया हुआ कोई ट्रैक नहीं है जिसमें इतना ज़्यादा प्लास्टिक या गंद फैलाया ना हो, बहुत गंद फैलाया हुआ है। कुछ करना चाहिए यहाँ पे, बीच बीच में जगह जगह डस्टबिन बनाने चाहिए ताकि गंद कम हो सके। और ये चारों तरफ देखो पूरी स्नो है, स्नो मेल्ट हो रही होगी धीरे धीरे, औसम है। लेकिन एक्सपीरियंस अब अराउंड 2:15 हो चुके हैं, मतलब 1 बजे 1:15 बजे के आसपास पहुँचे थे, 1 घंटा हो गया। अभी 15-20 मिनट और लगाएंगे और फिर वापसी को 3 बजे के आसपास वापसी को चल देंगे, देखते कब तक पहुँचते। रुकने का कोई सिस्टम नहीं है, रुकने का थक तो गए लेकिन रुक के कोई फ़ायदा नहीं। बज गए 3 और वापस जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो 1.5-2 घंटा यहाँ पर स्पेंड किया है टाइम, ख्याल से उसमें से ज़्यादातर टाइम तो गर्म पानी में पड़े रहने में ही निकाला, मज़ा आया, एंजॉयड इट। अब दूसरे वाले रास्ते से वापस जाने का मन है, रुकने का मन नहीं है, वापस जाने का ही मन है। तो दूसरे वाले रास्ते से वापस चलते हैं और देखते हैं कब तक पहुंचते, बताता हूं मैं जब वापस पहुंच के आपको। तो गाइस आई एम इनसाइड अ ट्री, और ये पेड़ है बेसिकली, पेड़ के अंदर मैं हूँ खड़ा और ऊपर तक खोखला है पेड़ पूरा। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। ये पीछे से खुल गया और इधर से भी ओपन है पेड़, देखो मस्त जबरदस्त। दिस इज अ होलो ट्री, होलो 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 ट्री। तो गाइस ये जगह पे जहाँ बैठा हूँ यहाँ से बेसिकली ये जो कैफ़े है जहाँ पे लिखा हुआ है 3 किलोमीटर, तो यहाँ से सेम रास्ता है, चाहे आप जंगल वाले रास्ते से आओ चाहे पहाड़ के दूसरी साइड से आओ। तो मैं जो आया था इस ऊपर वाले रास्ते से आया था, ये जो यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब जो जाना है मुझे वो नीचे वाले रास्ते से, ये जो है रास्ता इससे जाऊँगा। तो ये वाला नीचे वाला रास्ता मुझे इवेंचुअली नदी के पार लेके जाएगा और मैं उस नदी के उस पार, उस पार यही है कि बस उस साइड पेड़ नहीं है कुछ भी। तो यहाँ से बेसिकली जो
पार्वती नदी है, काफ़ी नैरो जगह से है, तो इसलिए इसके ऊपर एक ब्रिज भी बना हुआ है जो पार करने के लिए। तो अभी देखते ब्रिज पे जाते हैं। हाँ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है यार। कैसे नैरो, जगह जस्ट पुल पार करके थोड़ा सा आगे निकलते ही है, वो है रुद्रनाथ। तो ये बेसिकली यहाँ से ये गिर रहा होता है झरना, यहाँ पे लोग नहाते हैं, देवताओं को भी नहलाते हैं इसमें, और प्रसिद्ध है पता नहीं क्यों। और उधर जो एक्चुअली वहाँ पे जो शिवलिंग बना हुआ है पीछे आप देखोगे तो, हाँ वहाँ पे जो शिवलिंग बना हुआ है वो है रुद्रनाथ का शिवलिंग। और इसमें पानी में लोग ठंडे पानी में कहते हैं नहाने से पाप उतर जाते हैं। बेसिकली नकथान में भी होम स्टेज तो है, और आई थिंक 3-4 किलोमीटर ही है ये बरशैनी से, यहाँ भी रुका जा सकता है। ब्रिज वी आर गोइंग टू क्रॉस, ये रिवर बेसिकली पार्वती रिवर में जाके मिल रही है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। तो 6:50 पे मैं पहुँच गए हैं वापस बरशैनी, तो 7 बज गए, मतलब 9:30 बजे गए थे, 3.5 घंटे जाने में, 4 घंटे आने में, थक गए थे इसलिए ज़्यादा टाइम लगा आने में, और इवेंचुअली 2 घंटे वहाँ पे बिताए। तो ये पूरा ट्रैक 24 किलोमीटर का हमने किया। अब आगे का क्या प्लान है वो देखता हूँ, अभी मैंने कोई प्लान नहीं किया आगे।